फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने पिछले कई दिनों से लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। हर क्वार्टर में अपने आप को बेहतर साबित कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयरों की प्राइस नहीं बढ़ रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसका बैड लोन, यानी जो पहले राणा कपूर ने ऐसे अंदाजन जो लोन बांटा था वो सारा का सारा एनपीए बन गया है और वही उसके गले की फांस है। अब उससे निपटारा पाने के लिए लगातार यस बैंक का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है, तो वो अब दो आगे रास्तों पे बढ़ रहा है। दोनों तरफ कोशिश कर रहे कि किसी भी तरह से इस एनपीए से छुटकारा पाया जाए, और इसके लिए दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि बहुत जल्द यस बैंक पूरी तरह से एनपीए फ्री हो जाएगी और नए शुरुआत करेगी। जिस तरह से यस बैंक अपने कारोबार को तो पटरी पे ले आके आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो है उसका पुराना एनपीए, तो उसके रास्ते भी निकालने शुरू कर दिए। तो ये सारी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ जो बाजार में गिरावट का दौर जारी है वो कहाँ तक जा सकता है। यस बैंक का स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन साथ में बाजार में भयंकर गिरावट जारी है, तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये मौका है जब यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई बार जब भी भयंकर गिरावट होती है तब भी यस बैंक का स्टॉक 12 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता है, यानी ये इसका एक मजबूत सपोर्ट है। तो अभी भी ये 12:30 के आसपास है, तो क्या खरीदारी का मौका हमें तलाशना चाहिए, क्या इस लेवल पर हमें खरीदारी करनी चाहिए, एफआई का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक 12.70 पर ओपन हुआ और लो बना 12.45 का, हाई है 12.85 का, और अंत में 12.50 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.40% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह बनी है बाजार में शानदार तेजी के बाद बड़ी गिरावट। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को शानदार बाजार में तेजी थी और अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ में हुई, यानी 136 पॉइंट की गिरावट थी BSE सेंसेक्स में, जो 52,793 का स्तर हमने देख लिया है फ्राइडे को। और पूरे दिन काफ़ी अच्छी तेजी थी, अगर ऊपर के लेवल के हिसाब से देखें तो कम से कम 900 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, और इस बड़ी गिरावट ने ही पूरा माहौल बिगाड़ा। यहाँ पे लगातार बाजार में गिरावट जारी है। 4 अप्रैल 2022 को सेंसेक्स 60,611 के आसपास था, जो फिलहाल 52,793 के आसपास आ गया, करीब 8,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। और इस बड़ी गिरावट की वजह से यहाँ पे आपको यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बाजार के लगभग सभी शेयर, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप, सब में आपको 20-30% की गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है निचले लेवल से। वॉल्यूम को देखें तो BSE में 1,74,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 85,72,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.04% है। बात अगर NSE की करें तो 6,99,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,70,30,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.63% है। इसके वॉल्यूम को एनालिस कर, पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, और आप देखोगे तो गुरुवार के दिन 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और काफ़ी स्टेबल वॉल्यूम है। यहाँ पे संभावना निफ्टी 50 की देखें तो 15,782 का स्तर हमने ऑलरेडी देख लिया फ्राइडे को, जहाँ पे 0.16% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 33,121 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.23% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक 2,404 पर 0.04% की मामूली सी देखने के लिए तेजी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, यानी 16,830 के स्तर पर 0.75% की गिरावट, तो लगभग 0.25% की गिरावट थी। और यहाँ पे यस बैंक में भी सेम उतनी ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब यस बैंक अपने एनपीए से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो आपको पता ही होगा रिलायंस कैपिटल नीलाम होने जा रही है, NCLT की तरह उसकी कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में बहुत सारा कर्ज है यस बैंक का रिकवर करना है अनिल अंबानी से। तो ऐसे में यस बैंक कोशिश कर रही है कि रिलायंस कैपिटल को अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो आपको पता होगा पिछले दिनों कम से कम 54 बीडर थे रिलायंस कैपिटल के लिए, लेकिन फिलहाल अभी जो रेस में है सिर्फ 3 कंपनियां रह गई है, जिसमें पीरामल ग्रुप है, यस बैंक और HDFC, ये 3 कंपनियां हैं जो रेस में है और इस कंपनी को लेना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस जब आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कंपनियाँ थोड़ी कम हो गई है और जिस तरह से मार्केट का रिस्पॉन्स खराब हुआ, इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, और जिस तरह से रसिया यूक्रेन की वजह से पूरा का पूरा माहौल बिगड़ गया है, आप देखोगे इंडियन डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ टूट रहा है, लगातार क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, इस वजह से बहुत सारे बड़े बीडर्स ने अपने हाथ खींच लिए और इस वजह से इसकी जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया
इसकी 26 मई की अंतिम तारीख थी बिडिंग के लिए, लेकिन उसको बढ़ा के अब 30 जून कर दिया गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कोई नई कंपनियां एंट्री करें, लेकिन फिलहाल तो 3 बीडर्स हैं जो इसमें अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। और यस बैंक इसको इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा कर्ज ऑलरेडी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ग्रुप के ऊपर है, तो अगर वो कर्ज वसूल हो जाएगा अगर ये कंपनी उनको मिल जाएगी तो। और साथ में लेने का एक और बेनिफिट है कि इसकी कम से कम 8 सब्सिडियरी कंपनियां जो फाइनेंस का कारोबार करती है, साथ में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। अगर ये कंपनी इनको मिल जाती है तो वैसे ही इनका एसेट रिकंस्ट्रक्शन का कारोबार इनके हाथ में आ जाएगा, और इसीलिए कोशिश कर रही है यस बैंक किसी भी तरह से रिलायंस कैपिटल पर अपना कब्जा किया जाए, और इस कोशिश में वो पूरी तरह से कामयाब होते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बीडर हैं वो निकल गए बाजार से, तो अब सिर्फ 3 बचे हैं, और हो सकता है कि ये लोग मिलके ही रिलायंस कैपिटल पे अपना पूरा कब्जा कर ले, क्योंकि ऑलरेडी इनकी अलग अलग सब्सिडियरीज कंपनी है, तो 3 जो ये बड़े जो बीडर्स है हो सकता है कि उन कंपनियों को आपस में बांटे। इस तरह से इनकी मीटिंग भी हो रही है, तो आगे कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, और जिस तरह से ये मामला बन रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में यस बैंक पूरी तरह से एनपीए फ्री हो जाएगी। दूसरी तरफ अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाने की पूरी कोशिश जारी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यस बैंक ने अपनी तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी अपने 10 मई को, अपने टोटल इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी जिसमें बहुत सारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ में उन्होंने मीट की है, और उनके साथ में बातचीत का दौर चल रहा है। यानी आप समझ लो कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से यस बैंक अपने लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहती है, और इसीलिए इन्होंने कम से कम 11 कंपनीज को बुलाया था और उनके साथ में बातचीत की है। तो अगर ये इनका प्लान पास नहीं होता, ये रिलायंस कैपिटल उनको नहीं मिलती है, तो भी वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे और अपने एनपीए से छुटकारा पाएंगे। यानी हर तरह से यस बैंक के मैनेजमेंट ने यह ठान लिया है पूरी तरह से एनपीए फ्री होना है, और इसके लिए कोशिश जारी है, तो आने वाले समय में पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगी। तो यही मौका है जब आपको यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, और ये वाकई में लंबी रेस का घोड़ा है। आप देखोगे तो इनके रिवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2021 में इनको 4835 करोड़ का रिवेन्यू मिला था, जून 2021 में बढ़कर 5423 करोड़ तक पहुँच गया, और सेप्टेम्बर 2021 में वो 5463 करोड़ तक पहुँच गया। दिसंबर आते आते इनका रिवेन्यू 5664 करोड़ तक आ गया, और मार्च 2022 में 5873 करोड़ तक पहुंच गया। तो हर क्वार्टर में इनका रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब इनके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2021 में इनको 3791 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था, जून में 204 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ हो गया, और दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 266 करोड़ तक पहुंच गया, मार्च 2022 में 372 करोड़ तक प्रॉफिट आपका पहुंचा है। तो आप देखोगे हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए। दूसरी एक और अच्छी बात निकल के आ रही है कि एफआई ने लगातार बिकवाली के बाद फिर से खरीदारी शुरू कर दी है यस बैंक के स्टॉक में। मार्च 2021 में एफआई की होल्डिंग 13.77% थी, जून में घटकर 10.45 रह गई, और सितंबर में वो घटकर 7.92% पर आ गई, लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 8.17% कर लिया है, और मार्च 2022 में 10.97% तक आ गई एफआई की होल्डिंग। तो एफआई फिर से अपनी होल्डिंग बढ़ाने लगे, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यस बैंक के स्टॉक में आने वाले समय में शानदार तेजी बनेगी। तो आपको डिप में खरीदारी करना चाहिए, यह काफ़ी बॉटम बन चुका है, यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो आपको लॉस की संभावना कम होगी और आने वाले समय में शानदार रिटर्न आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 63% बाय की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है, तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अभी बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक लेते तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता तो 12.35 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर 12.18 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 11.92 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर ये 12 के सपोर्ट को तोड़ सकता है, लेकिन वैसी संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर कुछ कह नहीं सकते बाजार की संभावनाओं को, जिस तरह से एफआई सेलिंग कर रहे हो सकता है 1000-2000 पॉइंट की और गिरावट हो, तो 11 का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 12.72 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 12.98 की प्राइस देखने को मिलेगी, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 13.12 तक भी जा सकता है। तो डिप में मौका आ चुका है, खरीदारी करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि बाजार में संभावना कोई नहीं जानता क्या होता है कल, तो हो सकता है कि गिरावट हो तो थोड़ा और नीचे आप खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं, और अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए तभी भी इस समय आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए ताकि आपका एवरेज नीचे आ जाए। आने वाले समय डेफिनेटली ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा, सिर्फ आपको 3 साल के लिए यस बैंक में अपना निवेश करना है, ये आपको डेफिनेटली 100 टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।